बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी आगामी फिल्म साहू की शूटिंग के लिए मुंबई से हैदराबाद के लिए रवाना हो गई हैं, जहां श्रद्धा साउथ के सुपरस्टार प्रभास के साथ साहू के अगले शेड्यूल की शूटिंग शुरू करेंगी। रामोजी फिल्म स्टूडियो में फिल्म के दूसरे शेड्यूल का आगाज हो गया है। श्रद्धा कपूर के एक करीबी ने बताया कि इस साल श्रद्धा क्रिसमस पर काम में व्यस्त हैं। वो हैदराबाद में अपनी फिल्म साहू की शूटिंग शुरू करेंगी। श्रद्धा इस फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रही हैं और फिल्म की हिंदी डब के अलावा तेलुगु और तमिल की डब भी खुद ही करना चाहती हैं। एक इवेंट के दौरान श्रद्धा ने कहा था कि मैं मानती हूँ कि फिल्म को उस भाषा में डब करना जिस भाषा के बारे में आपके पास कुछ भी जानकारी नहीं है बहुत कठिन होगा, पर मैं ईमानदारी से बहुत मेहनत कर रही हूँ। अब यह डायरेक्टर के ऊपर है कि वह मुझसे डब करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मान जाते हैं तो मैं तेलुगु और तमिल में भी डब करना पसंद करूंगी। इससे पहले फिल्म साहू के एक्शन सीन की शूटिंग अबू धाबी में हुई थी, जिसे ट्रांसफॉर्मर्स, मिशन इम्पॉसिबल, रश ओवर और आमिर गार्डन जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों पर काम कर चुके एक्शन कोरियोग्राफर केनी बेट्स ने फिल्माए हैं। बॉलीवुड अदाकारा श्रद्धा कपूर के लिए साहू पहली तेलुगु फिल्म है और यह फिल्म 3 भाषाओं में रिलीज होगी। सुजीत रेड्डी के निर्देशन में बन रही साहू में श्रद्धा कपूर के साथ प्रभास, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे और मंदिरा बेदी भी मुख्य किरदार में हैं। यह अगले साल सिनेमा घरों में आएगी। बता दें कि श्रद्धा कपूर की हाल ही में आई फिल्म हसीना पाकर बॉक्स ऑफिस पर खासा कमाल नहीं कर पाई थी, जिसके बाद जल्द ही वह बाहुबली फिल्म प्रभास के साथ साहू में नजर आने वाली है। इसके अलावा वे साइना नेहवाल पर बनने वाली बायोपिक में भी दिखाई देने वाली है, इसलिए कहा जा सकता है कि श्रद्धा आने वाले कई दिनों तक व्यस्त हैं।